Can we have our next contestant? तेरा बाप आया। नमस्कार जी। बढ़िया, क्या नाम है आपका? सर थाराबाई जोगिंदर। आप वो मतलब जो वीडियो बनाते हो? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। थाराबाई जोगिंदर वो? हाँ जी सर, थाराबाई जोगिंदर वही। जो जोगिंदर थाराबाई जोगिंदर वीडियो बनाने के लिए आ गया। जो जोगिंदर थाराबाई जोगिंदर लगा लिया कूलर। सोनू भाई, हाँ जी भाई। बताऊंगा कि मैं जोगिंदर को जानता हूँ, इसकी कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। मैं चाहता हूँ कि आज ये दोनों चीजें बताए। देखो सर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचती है। सर मेरे से दो चीज नहीं देखी जाती है, गरीब आदमी नहीं देखा जाता, और सर दूसरा जो मेरे को पॉइंट मार रहा है सर वो मैं सुन नहीं सकता। इनफैक्ट आपने इसमें कई जगह पे ये भी लिखा है कि जेन्युइनली हेल्प करते हैं लोगों। हाँ जी सर। ये मैं जानना चाहता हूँ, आपने इसमें लिखा है कि 18 करोड़ का कांड, व्हाट इज दिस? सर एक बच्चा था, उसको SMA नाम की बीमारी थी, तो मेरे पास कॉल आता है कि भाई जोगिंदर एक लड़का है, उसकी ना तबीयत खराब है, 18 करोड़ का एक इंजेक्शन है, वो अरेंज कराना है। मैंने कहा टेंशन मतलब मेरे को कितनी वीडियो बनानी पड़ जाए, मेरे को किसी को बोलना पड़ जाए। मुझे भी बोला था, मुझे यहाँ तक आपका नाम लिया था सर मैंने। जैसे तूने बात करना शुरू किया मुझे ध्यान है, एक वीडियो मुझे भी टैग होके आया था और हाँ जी सर आप ही थे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है यार, काम करते हो। यू नो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप यू नो जो हेल्प करते हैं, आपने बोला कि जैसे लोग आपको कमेंट्स कर रहे होंगे या कुछ करते हैं, बोलते हैं ना कि जो सही रास्ता होता है ना, स्पीड ब्रेकर वही बने होते हैं। हाँ जी सर, वो एक आपका टेस्ट चल रहा है कि भैया जोगिंदर बंद होएगा नहीं होगा, तो बंद नहीं होना। तूने बंद नहीं होना नहीं है सर, मैं कभी गलत करता ही नहीं सर आगे से। वो स्टोरी फिनिश करना क्या था फिर? तो सर उसका ये था कि 18 करोड़ का इंजेक्शन का था, मैंने कहा भाई मैं कराता हूँ, तो सर मैंने फेसबुक पे वीडियो डाली, 2 दिन में 30 मिलियन व्यूज ऐसे आ गए थे, तो सर 2.5 करोड़ रुपये अरेंज हो गए थे 1 महीने के अंदर। उसके बाद क्या सीन हुआ कि कहीं से हमें पता चला कि उनकी फैमिली के पास है ना किसी NGO ने सपोर्ट कर दिया है। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, कल को पब्लिक हमें बोलेगी पैसा कहाँ गया जोगिंदर। लोग ब्लेम करते हैं कि जोगिंदर ने पैसा खा लिया, और सर हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि हमने उन्हीं के फैमिली का काउंटर नंबर दिया था। तो तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? सर पुलिस कंप्लेंट सर लोग कर रहे थे ना, लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, मैंने यही बताया था कि भाई देखो हमने नहीं खाया पैसा कुछ भी, बट सर वो 2.5 करोड़ का मेरे ऊपर लगा था कि तूने खाया है, क्योंकि सर मैंने अपना घर बनाया था। और सर गाड़ी, आप अगर मीडिएटर हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना फिर कि वो सही जगह जाए। वो वापस करा दिए, कुछ एक NGO है उसमें पैसा करा दिया, और जोन सी NGO उनको ऊपर पैसा लगा रही थी ना, उस NGO को पैसा दे दिया बचा हुआ। क्या रहता रही है जो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई, पूरा बता नहीं पाता, कि जो SMA बीमारी है वो 3 तरह की होती है, SMA 1, SMA 2 टाइप होता है, जिसमें 2 करोड़ लगता है, 6-8 करोड़ लगता है, 18 करोड़ लगता है। कुछ बच्चों की लॉटरीज निकलती हैं, अगर उनको मिल गया तो उनको कंपनी है जो उसको करती है स्पॉन्सर, उनको फ्री में मिलता है इंजेक्शन, पर हर बच्चों को नहीं निकलता, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है और पैसे इसलिए इकट्ठे होते हैं। भाई ने गलती ये की होगी कि जैसे यू नो कीटो वगैरह के अकाउंट बनते हैं तो उसमें पैसे जाने चाहिए, पर्सनल नहीं जाने चाहिए, तो शायद लोगों ने पर्सनल डाले होंगे और फिर उसकी लॉटरी निकली होगी और उसके इलाज खुद हो गया होगा। इसको नॉलेज नहीं होगी उसके बारे में, इसने सीधा डायरेक्ट उनका अकाउंट डाल दिया। देखो सर मेरे को नॉलेज नहीं थी, बस मेरे को ये था कि हाँ इसकी हेल्प करनी है, मेरे को सर इतना पता नहीं था सोशल मीडिया का। तो सर मैंने उस बच्चे केस के बाद अपना पेज मोनेटाइज कराया था सर, फिर मैंने पैसा कमाया दबा के, मैं बदनाम हो चुका था मेरे को पता था, बट इतना पैसा कमाना था कि मैं अपनी बहनों की शादी कर चुकूं और मेरी मम्मी ना बीमार रहती है, अपनी मम्मी की बीमारी में इलाज में पैसा लगा सकूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। आप ऐसा क्या करते हो अपने वीडियोस में? मैम सब कुछ करता हूं। थोड़ा एक करके दिखाओ ना उसी स्टाइल में एक। तेरी जिंदगी आसान करते है थाराबाई जोगिंदर। हाँ जी सर। तू MTV रोडीज में आया और तूने अपना वीडियो कर दिया लाइव। ओके, तो भाई ये वाली वीडियो ज्यादा शेयर करना, आज सारा भाई जोगिंदर बोलेगा हिंदुस्तान के हर कोने में ये वाली वीडियो जानी चाहिए, आज मैं उस वाले लेवल पे खड़ा हुआ हूँ, अगर आप लोगों को दिखाऊंगा ना आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो सोनू सूद भाई जी है, और मेरे को मिलने का मौका मिला, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और आप देख रहे हो गौतम गुलाटी सर बिग बॉस के अंदर जीत चुके हैं, और साथ में रिया चक्रवर्ती मैम और प्रिंस नूरुल्लाह भाई, इनकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हुई है। और आप लोग को एक चीज और दिखाता हूँ, आप लोग अक्सर ये वाली चीज देखते हो कि भाई रोडीज के ऑडिशन के अंदर क्या चलता है, आप लोग कभी ये नहीं देखते कि ऑडिशन के पीछे कितनी मेहनत होती है। मेरे पीछे देख रहे हो ये कैमरामैन भाई, मैं बुरा मत मानना, इस स्टेज पे अपने आप को वैल्यू नहीं दूंगा जितनी वैल्यू मैं इन लोगों को दूंगा, साफ सी बात है, ये जो यहाँ पर मेहनत कर रहा है सर। थाराबाई जोगिंदर सर पिक्चर, पिक्चर सर, सर पिक्चर, सर पिक्चर, सर ऐसा कुछ नहीं है, सब ये है। एक सेकंड के लिए पॉज लेगा, बोलो तेरी जिंदगी आसान करने के लिए एक और बंदे को बुलाते हैं।
आ जा भाई। तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर। हेलो सर। हेलो मैम। क्या करते हो भाई आप? सर मेरा नाम है राहुल मदान, 20 साल का मैं गबरू नौजवान, और इस साल रोडीज का बनने वाला बड़ा नाम। नौजवान तो है, गबरू कहाँ से है? तेरा बाप। सर गबरू हूँ सर, पूरा दिल से भी दिमाग से भी सर। अच्छा आप इनको जानते हो? यस सर जानता हूँ, थारा भाई जोगिंदर भाई हमारे हैं। चलो आप एक चीज करो, आप सोचो कि आप हो थारा भाई जोगिंदर और आप इनकी नकल करके दिखाओ। यो जोगिंदर, यो जोगिंदर खेतों में इतना हक देगा, खेतों में इतना हक देगा। ओ बात सुन, एक मिनट रुक। तेरे को शर्म नहीं आ रही? यहाँ कितनी बड़ी पर्सनालिटी बैठी है, कुछ तो शर्म कर रही है। मैं बेशरम हूँ आदमी। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा, इतना आगेगा सर, इसको खेतों के मालिकों ने सोची ना होगी। तेरी माँ भी देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कुछ और डायलॉग मार ले भाई, दिखाने के लिए भाई, कुछ और डायलॉग मार ले। दिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, दिखाने के लिए ही आया हूँ। क्या दिखाने के लिए आया? हाइप लेने के लिए आया है? यहीं पे आया हूँ भाई मैं। गाली देगा जो भी मुझको उसकी टाटा फिस करांगा। सत्य बात बोल जोगिंदर, क्या चीज है बता? जोगिंदर कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। जोगिंदर कुछ नहीं, ऐसा क्यों कहा आप? ऐसा क्यों कहा? अगर मैं रोडीज का मानता हूं तो अ रोडी हैज टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ही हैज टू बी मेंटली, ही हैज टू फिजिकली, ही हैज टू इमोशनली एंड सोशली हर तरह से फिट होना चाहिए, एंड आई कंसीडर माई सेल्फ एज द फिटेस्ट इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। चल फिजिकली देख लेते हैं एक बार, ठीक है? तुम दोनों के अंदर एक काम करते हैं, दोनों में पंजा लड़ा लेते हैं। पंजा पंजा ठीक है दोनों का, ड्रम बीच में खड़ा करके पंजा लड़ाते हैं। ओके सर, चलो मैं तुम्हारा हाथ सेट करता हूँ। वन टू थ्री। अगर आप मेरे को लोगे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलेगा। आपको शास्त्र मिलेगा, शास्त्र भी मिलेंगे। आपको पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस दोनों मिलेंगे। कहाँ थे आप सर? मेरे अंदर है। कहाँ थे आप? बहुत बढ़िया, धन्य हो गए हम। बहुत बढ़िया, चल एक काम कर ले। ओह हरा दिया यार। ओके बन जा रोडीज, जा तू खुश रह। राहुल जीत गया, हरा दिया यार। जोगिंदर ये सही में जीता है या तूने दिया? नहीं सर जीत गया, जीत गया। जीता है? नहीं 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 दिया। क्यों देगा? जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। ऐसे क्यों तूने छोड़ दिया भाई? अरे सर इसने बात इतनी बड़ी बड़ी बोल दी, अगर मैं जी जाता मैं उसके खिलाफ जाता। आपने गिव अप कर दिया एक छोटी सी बात से कि वो बातें कर रहा था? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये अरे आपने मेरे सामने किया है। इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, मैंने चल ठीक है भाई तू भी ले ले कर दिया। तो आपके अंदर नहीं है? अंदर है मैम मेरे। तो आपने क्यों नहीं हराया उसे? मैम मैं हार ही गया इससे। फिर मैं आपको अपने गैंग में क्यों लूं? आप हार जाओगे क्या यार? ये ऐसे ऐसे तो लोग नहीं चाहिए हमें, जो बोले मैं हार जाऊंगा इससे, मैं हार जाऊंगा यार। जिंदगी में तकलीफें आएंगी तो आप ये बोलोगे कि मैं थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। देखता हूँ आज जोगिंदर कितना बड़ा इंसान है। जोगिंदर तू सच में जाता है ना ये आगे जाएगी? मैं चाहता हूँ सर ये जाए। अगर तू सच में आगे चाहता है कि आगे जाए तो फिर तू स्टेज को छोड़ दे। देखो सर स्टेज नहीं छोड़ सकता, मेरी माँ पूजा करके दिया जला के बैठी होगी अभी। मेरी माँ ने दिया जला के व्रत करके बैठी है बीमार होने के बाद, तो स्टेज नहीं छोड़ सकता सर। चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, क्या सा भी टास्क हो मैं करूंगा पंजे में से, इसलिए आ रहा कहीं तो कहीं ना थोड़ा हो कि हाँ ये है दिखाए काबिलियत, पर सर स्टेज नहीं छोड़ सकता कभी मैं। गार्ड की नौकरी करने वाला लड़का जिसने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मैं 2 साल का था, मेरी माँ ने उस स्थिति मेरे को पाला है।